क्या सलमान की राधे या मोस्ट वांटेड भाई भी ऑनलाइन रिलीज होने वाली है? लॉकडाउन की वजह से हर तरह की शूटिंग कैंसिल है, थिएटर्स भी बंद चल रहे हैं। ऐसे में जो फिल्म बनकर तैयार है उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने की बात चल रही है। अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम और रणवीर सिंह की 83 के बाद सलमान खान की राधे या मोस्ट वांटेड भाई को भी सीधे ऑनलाइन रिलीज करने की बात चल रही है। सलमान के मैनेजर जॉर्डी पटेल के हवाले से चल रही खबरों के मुताबिक अगर अच्छा पैसा मिला तो राधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान के मैनेजर जॉर्डी ने कहा कि प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म के रिलीज के लिए साल भर का इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो ओटीटी पर जा सकते हैं। बकौल जॉर्डी, अगर राधे के लिए 250 करोड़ रुपए तक का ऑफर आता है तो वो लोग ऑनलाइन रिलीज करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि राधे अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, इसलिए अभी ये दूर की बात है। इससे पहले भी लक्ष्मी बम और 83 से जुड़ी इस तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के CEO और 83 के प्रोड्यूसर शिवाशीष सरकार ने PTI से बात करते हुए ये पूरा मामला साफ किया था। शिवाशीष ने कहा था कि उनकी फिल्म से जुड़ी इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्हें अगर फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करने के लिए 6 से 9 महीने तक का भी इंतजार करना पड़े तो वे करेंगे, लेकिन अगर मामला इससे ज्यादा लंबा खींचता है तो फिर उन्हें कॉल लेना पड़ेगा। वहीं लक्ष्मी बम को लेकर मामला थोड़ा घालमेल वाला है। पहली बात ये कि लक्ष्मी बम रेगुलर मसाला अक्षय कुमार फिल्म नहीं है, वे थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है, इसलिए थिएटर्स में इसे रिलीज करने पर आप 300 करोड़ का कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करने की बात चल रही है। लेकिन सनद रहे सिर्फ बात ही चल रही है, ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं कहा गया। OTT प्लेटफॉर्म्स लॉकडाउन को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो, इसमें उनका भी फायदा है, नियम भी नहीं टूटेंगे और फिल्में भी समय से रिलीज हो पाएंगी। लेकिन ये वाली कंडीशन सिर्फ छोटी या मीडियम बजट वाली फिल्मों पर लागू होता है या उन कंटेंट ड्रिवन फिल्मों पर जिन्हें थिएटर में रिलीज होने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। बड़ी फिल्में जैसे राधे या सूर्यवंशी वो फिल्में हैं जो स्टार पावर पर खींचती हैं। उनके लिए थिएटर रिलीज से आने वाले रेवेन्यू, सैटेलाइट राइट्स और इंटरनेशनल रिलीज से आने वाले पैसे मैटर करते हैं। ऐसे में राधे के मेकर्स सिर्फ 250 करोड़ रुपए में अपनी फिल्म ऑनलाइन रिलीज करने के लिए तैयार हैं, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। और यशराज फिल्म्स के साथ राधे का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने का करार का क्या होगा? सलमान की पिछली फिल्म भारत, जो कि बहुत सफल नहीं मानी गई, रोते धोते भी इंडिया समेत दुनिया भर से 325 करोड़ रुपए के आसपास कमाई कर गई। और ये सिर्फ टिकट वाली कमाई है, इसमें सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स वगैरह जोड़ लीजिए तो मामला 450 करोड़ रुपए से नीचे नहीं ठहरता। खैर, उससे भी जरूरी बात यह है कि फिल्म रिलीज तो तब हो पाएगी जब पूरी होगी, और पूरी तब होगी जब लॉकडाउन खत्म होगा। मतलब लॉकडाउन खत्म होने के कम से कम 2 महीने बाद ही मेकर्स फिल्म के रिलीज के बारे में सोच पाएंगे, क्योंकि राधे फिल्म के कुछ अहम हिस्से शूट होने बाकी है, जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स जिसमें एक चेंज सीक्वेंस है, कुछ पैचवर्क वाले सीन्स और फिल्म के गाने। लॉकडाउन और थिएटर्स खुलने के बाद भी पब्लिक का बहुत सारे लोगों के बीच जाकर फिल्म देखना इतना आसान नहीं रहने वाला है। लोगों में वायरस संक्रमण का खतरा भीतर तक बैठ गया है, ऐसे में कोई बड़ा स्टार या बड़ी फिल्म ही उन्हें सिनेमा घरों तक लेकर आएगी। अगर यही बड़ी फिल्म डायरेक्ट ऑनलाइन रिलीज होने लगी तो फिर तो थिएटर्स का सारा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी फिल्में और उनके रिलीज को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। जब तक फिल्म के मेकर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर देते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। न्यूज रूम से News99 की रिपोर्ट। फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल News99 को।